हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एक नया टॉपिक के में, जिसमें क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट क्या है, व्हाट इज क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपको एग्जांपल के साथ डिटेल्स में समझाऊंगा। ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट जो है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के सेक्शन 68 से 72 में डिफाइन किया गया है। नॉर्मली सबको मालूम है कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या लगता है, और क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट हुआ मैं आपको एक डिटेल्स में बता रहा हूं, आप आगे देखते जाए। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट में यह क्लियर है कि ऐसे वो कॉन्ट्रैक्ट जो व्यक्ति के इच्छा के विरुद्ध होता है, फिर भी हम और आप दोनों का इच्छा विरुद्ध विदाउट कंट्री डायरेक्शन में भी व्यक्ति को बिल इंफोर्स किया गया है। ऐसे सिचुएशन में आ जाता है कि दो पर्सन में भी विदाउट कंट्री डायरेक्शन में भी कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो जाता है। इस टाइप का कॉन्ट्रैक्ट को क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमको यह समझना है कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। कॉन्ट्रैक्ट जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है। क्या डिफाइन किया गया है, एन एग्रीमेंट इम्पोर्सिबल बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट। कोई भी एग्रीमेंट जो लॉ में इन्फोर्स किया जा सकता है उसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। एग्रीमेंट क्या होता है, क्या डिफाइन किया गया है, सेक्शन 2E इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, एन एग्रीमेंट एज एवरी प्रोमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर इच अदर इज एन एग्रीमेंट। जो प्रोमिस होता है, एक ऑफर करता है, मीन्स प्रपोजल करता है और दूसरी एक्सेप्ट करता है, वो एग्रीमेंट बन जाता है। जो एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल होता है उसी का कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट, राइट एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। अभी हम क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट को कंस्ट्रक्टिव कॉन्ट्रैक्ट भी कहेंगे। कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करने के लिए पार्टी की इच्छा होना चाहिए। पार्टी टू क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट डू नॉट हैव इंटेंशन टू एंटर इनटू ए कॉन्ट्रैक्ट, फिर भी ऑब्लिगेशन कुछ ऐसे अराइज हो जाते हैं ड्यू टू ऑब्लिगेशन बाय वन पार्टी एंड अनदर। एक पार्टी दूसरी पार्टी को ऐसे ऑब्लिगेशन कर देती है जिससे एक पार्टी को तो फायदा हो जाता है लेकिन दूसरी पार्टी को नुकसान हो रहा है। इस कारण से क्या होता है, वन पार्टी गेट्स बेनिफिट एंड एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। वन पार्टी गेट बेनिफिट एट द एक्सपेंस ऑफ अदर। एक पार्टी का तो फायदा, दूसरी पार्टी का खर्च। इन दिस आई ऑफ लॉ दिस इज नॉट करेक्ट। इन दिस आई ऑफ लॉ दिस पर्सन द पर्सन गिविंग बेनिफिट शुड गेट समथिंग। उसको भी कुछ भी मिलना चाहिए, उसको भी कुछ ना कुछ मिलना चाहिए। इवन दो देयर वॉज नो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। जहाँ कोई एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं है फिर भी कॉन्ट्रैक्ट मान लिया जाएगा। तो अभी हम समझते हैं इसके बारे में। तो हेलो गाइस, हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ निरंजन मेहर, आप में आया हूँ आज एक नया टॉपिक लेके। टॉपिक का नाम है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। मैं भी आपको ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट सुनने में थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन ये जब हम पूरा समझ जाएंगे ना, या तो शुरुआत भी कर देंगे तो आपको ये लगेगा कि ये बहुत जानी पहचानी चीज़ है। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट एक वेरी डिफरेंट चीज़ लग रहा है। चलो तो सबसे पहले हम ये वर्ड का मीनिंग हम समझ लेते हैं। क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट, क्वाजी का मतलब जो इंग्लिश में जो होता है लाइक मतलब जैसा कि। पहले हम समझ जाएंगे कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है, लॉ ने उसको कितना इम्पोर्टेंट दिया, लॉ में उसको कितना रिलीवेंट दिया है, हम उसको समझेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे ये क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में लॉ क्या कहता है, सबसे पहले हम उसको समझने के लिए कोशिश करेंगे। When one person has done something for another,
When one person has done something for another, जब एक person किसी दूसरे person के लिए कुछ करता है और paid money on his behalf to third party, और या फिर एक person किसी दूसरे person के behalf में money pay करता है equity. Then court comes ground. Then courts come forward on the ground of equity. Or court बोलता है on the ground of equity. समानता के ground पर एक person किसी दूसरे person के benefit पे अमीर नहीं हो सकता है. एक person दूसरे person की benefit पे rich नहीं हो सकता है. अगर किसी पर्सन ने आपके ऊपर कुछ खर्च किया है, तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ रिफंड करना पड़ेगा. आप उसके किए गए खर्च की बेनिफिट में बेटी बेटाई खर्च नहीं ले सकते हैं. तो यहाँ पे लिखा गया है देन कोर्ट कम्स फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी एंड सेइंग दैट, क्या बोला है, ए पर्सन हु टेक्स बेनिफिट, यहाँ पे क्या बोला है, एंड सेइंग दैट जो हम पढ़े थे, देन कोर्ट कम्स फॉरवर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी एंड सेइंग दैट ए पर्सन हु टेक्स बेनिफिट मस्ट मेक कंपेंसेशन टू द पर्सन फ्रॉम होम ही टेक्स बेनिफिट. यहाँ पे क्या बोला है कि अगर किसी पर्सन ने आपके ऊपर कुछ खर्च किया है तो उसके बदले में आपको कुछ ना कुछ रिफंड करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा. आप उसके किए गए खर्च पे बैठी बैठा है बेनिफिट नहीं ले सकते हैं. तो यहाँ पर क्या लिखा है देखो, एंड सेइंग दैट ए पर्सन टेक बेनिफिट्स, जो पर्सन बेनिफिट ले रहा है उससे कंपनसेशन देना पड़ेगा. किसको देना पड़ेगा, दूसरी पर्सन को जिससे उसने बेनिफिट लिया हुआ है. बेनिफिट के बदले कुछ ना कुछ रिफंड करना होगा, एक्सपेंस का भरपाई देना पड़ेगा. जब तक उसी खर्चा का कंपनसेशन नहीं देंगे, तब तक आप बेनिफिट नहीं ले सकते हैं. आप बताओ कि ये दोनों पार्टी में ना चाहते हुए भी लेन देन हो गया या नहीं हुआ है. दोनों पार्टी के ना चाहते हुए भी लेन देन हो गया. यस, हो गया. क्योंकि ऐसा क्यों हुआ बताइए, पर ऐसा क्यों हुआ, क्या दोनों पार्टी के बीच में इंटेंशन था, एक दूसरे के साथ लेन देन या एक्सचेंज या कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन में एंटर करने के लिए या एक दूसरे के लिए काम करने के लिए? नहीं था. एक दूसरे के बीच में ना इंटेंशन था, ना लेन देन था, ना पहले से कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन था, पहले से कोई बातचीत हुआ था कि हम एक दूसरे के लिए काम करेंगे, नहीं था. यहाँ पर पार्टी बोलने से कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होता, बट ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट है, ये बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ क्रिएट होता है, क्योंकि हमारा लॉ जो बनता है वो समानता के ग्राउंड पे ही बनता है, यहाँ पे क्या गया है, ऑन द ग्राउंड ऑफ इक्विटी. हमारा लॉ जो बनता है समानता का ग्राउंड पे ही बनता है, और क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का लॉ भी समानता का ग्राउंड से ही बनता है. और समानता का मतलब क्या है, एक पर्सन के खर्च पे दूसरे पर्सन बेटी बेटाई अमीर नहीं हो सकता. जब तक उसी खर्चे का कंपनसेशन नहीं देता है या रिफंड नहीं करता है तो उसको हम समानता नहीं कर पाएंगे. अब बताओ, दोनों के बीच में ना चाहते हुए भी लेन देन हो गया. जैसे ही लेन देन हुआ है यहां पर कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया. लेन देन जैसे हो गया यहां पे कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया. यस, इसीलिए बोला गया है ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ इक्विटी.
ऑन द बेसिस ऑफ ग्राउंड ऑफ इक्विटी, वो इक्विटी के ग्राउंड पे क्रिएट हुआ है, ये इक्विटी के ग्राउंड पे ये क्रिएट हुआ है। और बोला गया है वन पर्सन कैनॉट बेनिफिट हिमसेल्फ, एक पर्सन अपने आप को फायदा बेनिफिट नहीं दे सकता है, अनजस्टली अनजस्टली अन्यायपूर्वक एट द एक्सपेंस ऑफ अनदर, यही एक्सपेंस के लिए कुछ कर नहीं देता, कंपनसेशन नहीं देता है, तो उसको कहा गया है कि कंपनसेशन देना पड़ेगा। एक पर्सन दूसरी के खर्चा में बेटी बेटाई खर्चा नहीं ले सकता है। ये सब चीज जैसे एक दूसरे का लेन देन हो गया, कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट किया गया है, क्रिएट हो गया है, यहाँ पर दोनों व्यक्ति के ना चाहते हुए भी लेन देन हो गया है। यही लेन देन से ही निकल आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यही लेन देन से ही निकल गया है, निकल के आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो मैं भरोसा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कैसे क्रिएट होता है।